दुकानें भी आए, अब तुम खुद भी आओ, उसमें तुम भी आओगे, मैं बनाऊंगा तुम्हारा, है ना। थोड़ा शुरू शुरू करो। हेलो बराबर बंद कर दिया क्या? देखा मैं तुम्हारा मिला, तुम भी आगे चले। ये हमारी टीम जा रही है, अभी जानू वीडियो बना रहा था, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। यहाँ पे मेला लग रहा है खूब। हम आए हैं श्री पूर्णागिरी मंदिर, मैया जी का है, जो अभी हमें सीढ़ी चढ़ना है। 465 सीढ़ी हैं जो अभी हम चढ़ेंगे ऊपर। पूरा आपको एकदम मस्त नज़ारा दिखाते हुए पूरा क्लियर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे गन्ना का जूस भी मिल रहा है, साथ में यहाँ पे धर्मशालाएं भी हैं, जो रात को श्रद्धालु यहाँ पे विश्राम करते हैं ना। ये हमारी टीम है। जी सर बिल्कुल। रुको यार, रुको, प्रसादी की सेवा मानू कहना, ऊपर भी तो वही काम करना। जी सर बिल्कुल, देखते हैं, अभी कोई प्लान नहीं है क्या करना है। यहाँ पे विश्राम घर बने हुए हैं, विश्राम घर में रुकने का कोई चार्ज नहीं है, बस विश्राम घर में रुकने पर जय जिसका ये विश्राम घर है उसी के यहाँ से हमें प्रसाद लेना पड़ेगा, इनकी कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी श्रद्धालु रुकते हैं, काफ़ी यहाँ से प्रसाद भी लेना पड़ता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु अपने मैया के दर्शन करके और वापस आ रहे हैं। अभी हम सुबह से मैक्सिमम 12 बजे से लेके और अभी टाइम हो रहा है अपना 5:30, जब से चढ़ाई कर रहे हैं, बीच में ब्रेक भी लिया है, तभी हम अभी पहुंच पाए हैं। और अभी भी हमें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और चलना है। हमारे करण भाई हैं जो देख के हंस रहे हैं, है ना, और साथ में जानू भी है, और उसके आगे 2 बंदे और जो अब बहुत ही थक गए हैं। अभी तक हमारा एक करण भाई है जो कहीं भी रेस्ट नहीं किया है। ये क्या कर रहे हो यार, ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। ये यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे बना हुआ है, विश्राम गृह ही बना हुआ है। यहाँ पर प्रसाद वगैरह हमें मिलता है, सब बनाया गया है, फायर ब्रिगेड भी रखा हुआ है। प्लस में यहाँ पे विश्राम गृह पूरा अच्छी तरह से एकदम बनाया गया है, ये सब लॉजिक की जो पूर्णागिरी मंदिर। यहाँ से हमारा मंदिर के लिए एंट्री हो गई, यहाँ से ये घंटा है, यहाँ से पूरा के लिए मंदिर के लिए
इसके अंदर बजाने के लिए कुछ नहीं है कि ये बजेगा। भैरव मंदिर है यहाँ पे, प्रवेश द्वार। हमारी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जैसे कि ये रास्ता में हम लोग चले जा रहे हैं, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट हो गई है। यहाँ तक आ जा रहे तुम्हें यहाँ बैठे जी ने धर्मशालाएं भी बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। हमारी टीम आगे बढ़ रही है, हम भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और प्लस में यहाँ पर रहने का कुछ बढ़िया सा व्यवस्था की गया है, धर्मशालाएं बनाई गई हैं एकदम मस्त। यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होती है, सारे श्रद्धालु हैं हमारे अच्छे तरीके से मैया के दर्शन करते हैं, जब भी चाहें उतने टाइम दर्शन कर लेते हैं। मैया का दर्शन करने के लिए हम भी बिल्कुल उत्सुक हैं। तो अभी हम लोग प्लानिंग किए हैं कि आफ्टर 12 AM हम लोग मैया के दर्शन करेंगे, तो अभी कहीं धर्मशाला हम भी देखें और धर्मशाला देख के उसमें हम विश्राम करेंगे। विश्राम के बाद 12 AM के बाद हम लोग मैया के दर्शन करेंगे। चलो भाई चलो चलो, रोकने का नहीं है, डोंट स्टॉप प्लीज कंटिन्यू। मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ तो आप रुक क्यों रहे हैं, आप भी कंटिन्यू चलते रहिए। यहाँ पे धर्मशाला के रूप में रूम दिया जाता है एक प्रकार से, इनकी कोई कंडीशन नहीं है। आप सही, मैं बैठने में